देशातील एकमेव चॉकलेट टेस्टर नितीन चोरडिया याच्याबाबत सारेच काही अनोखे आहे. तो देशातील पहिला आणि एकमेव अधिकृत चॉकलेट टेस्टर आहे. त्याची करिअर कोणालाही हेवा वाटावा अशीच. गेल्या 2 वर्षात चोरडियाने विविध देशांमधील 2200 चॉकलेटची चव चाखली. त्याने कोकोस्ट्रेट ही कंपनी स्थापन केली आहे. चॉकलेट्सबद्दलच्या प्रत्येक गोष्टीचे विश्लेषण ती करते. चॉकलेट्स दिसतात कशी, त्याची चव, त्यातील विविध घटक, त्यांचा दर्जा आणि ग्राहकांसाठी चॉकलेट्समध्ये आणखी काय बदल करता येतील याच्या सूचना ही कंपनी संबंधितांना देत असते. चॉकलेट टेस्टिंग हे चोरडियांचे आवडते काम. चॉकलेट्सची निर्मिती कशी करायची, त्यांची ऑनलाईन आणि ऑफलाईन विक्री कशी करायची याचे मार्गदर्शन आणि चॉकलेट टेस्टिंगचे प्रशिक्षण हा त्यांचा बिझनेस. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் சாக்லேட் வந்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இமீடியட்டாக சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு பிரேக் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டா அது சாக்லேட்டே வேஸ்ட்டு, வில் நாட் கெட் எனி டேஸ்ட். ஸோ வி ஷுட் நாட் இமீடியட்லி ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வி ஷுட் நாட் ஈட். அது ஃப்ரிட்ஜில் வெளியில் எடுத்துகிட்டு யூ ஹேவ் டு கீப் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃபார் ஒரு 25 மினிட்ஸ் வச்சால் ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வரும். அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் வரதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் சாக்லேட் டேஸ்ட் பண்ணும். அதை டேஸ்ட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல், பைட்டு பண்ணக்கூடாது. ஒரு பாடி பைட் பண்ணிவிட்டு டங்கில் மிடில் ஆஃப் த டங்கில் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே வச்சா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் அது சாக்லேட் மெல்ட் ஆகும். பிகாஸ் இதெல்லாம் பியூர் சாக்லேட், இங்கே ஆயில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. இது பியூர் கோகோ பட்டர். அது கோகோ பட்டர் வந்துட்டு இட் வில் கேரி அ லாட் ஆஃப் ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட். அது நீங்கள் பைட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா அது டேஸ்டே வராது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 30 செகண்ட்ஸ் யூ கீப் த சாக்லேட் இன் யுவர் பேலட் பேலட் சொல்லுவாங்க டங்க்கு வச்சுட்டு மெனி ஃப்ளேவர்ஸ் யூ கேன் டிஸ்கவர். அது கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் நல்ல நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் என்னென்ன சாக்லேட்டியாக இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் வரும். இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி. இதே மாதிரி நீங்கள் சாக்லேட் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சாக்லேட் ஒரு கிஃப்ட் பண்ணும்போது கூட யூ கேன் டெல் த பர்சன் வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த சாக்லேட். சோர்டியா மூலச்சா ராஜஸ்தான்சா. தியாச்சா குடும்பாச்சி ஷேத்தி ஹோத்தி ஆனி சவுகாரிச்சா வியவசாய் ஹோத்தா. शाळेत असतानाच त्याला उद्योगाची ओढ लागली. रिटेल उद्योग क्षेत्रात मास्टर्स केल्यानंतर तो KSA टेक्नो या रिटेल सल्लागार कंपनीत नोकरीस लागला. आधी गोदरेज यांनी 2007 मध्ये या कंपनीची सेवा घेतली होती. या कंपनीतर्फे चोरडिया यांचा संपर्क गोदरेज यांच्याशी आला. याच प्रकल्प दरम्यान त्यांचा चॉकलेट संबंधीचा प्रवास सुरू झाला. एका संध्याकाळी MDI या प्रसिद्ध इटालियन चॉकलेट कंपनीच्या चॉकलेटचे सॅम्पल त्याला देण्यात आले. ते चघळत तो काम करू लागला. या चॉकलेटची चव आपल्या जिभेवर बराच काळ राहिल्याची जाणीव त्याला झाली. त्याने या कंपन्यांशी संपर्क साधला आणि व्यवसायासाठी चर्चेची तयारी दर्शविली. गोदरेज यांच्या नेचर बास्केट या दुकानांच्या साखळीमार्फत चोरडियाने हे चॉकलेट्स भारतात आणले. त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळाल्याने 6 महिन्यातच नफा होऊ लागला. चोरडियाला 2013 मध्ये फुर्सत मिळाली तेव्हा त्याला स्वतःचा उद्योग सुरू करावा असे वाटले. चॉकलेट विक्री क्षेत्रात ब्रँड बद्दलची जागरूकता आणि एकूणच व्यावसायिक तज्ज्ञता कमी असल्याचे अभ्यासातून आढळले. अनेक दुकानांमध्ये एकाच देशातील चॉकलेट असल्याचे त्याला आढळले. याच चॉकलेट्सना जास्त मागणी होती. या देशाला भेट देण्याचे त्याने ठरविले. तेथे गेल्यावर त्याला आलेल्या अनुभवाने तो थक झाला. भारतात या देशातील ज्या चॉकलेट्सची चांगली विक्री होत होती ती त्याला या देशातील दुकानांमध्ये कोठेही आढळली नाही. एकूण या क्षेत्राबद्दल खूपच अज्ञान असल्याचा निष्कर्ष त्याने काढला. याच वेळी एका मित्राने त्याची ओळख मार्टिन फिस्ती यांच्याशी करून दिली. मार्टिन हा जगात चॉकलेट गुरु म्हणून ओळखला जातो. मार्टिन आणि त्याचे मित्र चॉकलेट टेस्टिंगचा कोर्स सुरू करण्याच्या प्रयत्नात होते. पहिल्या बॅच मध्ये 13 देशांमधील 15 जण सहभागी होते. त्यातील एक चोरडिया होता. या कोर्सची रचना 3 टप्प्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यातील 2 चोरडियाने पूर्ण केले आहे. विविध विषयावरील ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी तरुण भारत न्यूज या आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर आणि लाईक करा. अधिक माहितीसाठी तरुण भारत अंक वाचा. धन्यवाद. लहानपणी उरलेल्या कपड्यांच्या छेगळ्यातून आई माझ्यासाठी ड्रेस तयार करायची. तिच्या या वेगळेपणातून फॅशन डिझायनर व्हायची इच्छा मनात रुजली आणि माझ्या स्वप्नांनी फॅशन शो मध्ये रॅम्प वॉक करायला सुरुवात केली. अडचणींचा प्रवास संपतच नव्हता, पण जिद्दी सोबत आत्मविश्वासही अतूट होता. आणि आता स्वप्नांनाही उभारी मिळाली लोकमान्यची. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय 195A नास्को रॉयल गुरुवारपेठ टिळकवाडी बेळगाव. फोन नंबर 08 3124 07078.